इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को यहां दूसरे टी20 में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने 3 टी20 की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड ने पहला टी20 41 रन से जीता था। भारतीय टीम लगातार 6ठा टी20 मुकाबला हारी है। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 111 रन बनाए। 20 रन बनाने वाली मिताली राज हाईएस्ट स्कोरर रहीं। इंग्लैंड के लिए कैथरीन बर्न 17 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लिंसे स्मिथ ने 11 रन देकर 2 विकेट लिए। भारत की 5 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। मिताली के अलावा ओपनर हरलीन देओल ने 21 गेंद में 14, कप्तान स्मृति मंधाना ने 5 गेंद में 12, दीप्ति शर्मा ने 22 और भारती फूलमाली ने 20 गेंद पर 18 से 18 रन बनाए। हालांकि जेमिमा रोड्रिग्ज, शिखा पांडे, तानिया भाटिया, राधा यादव और एकता बिष्ट दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई। इंग्लैंड की ओपनर डेनियेला वॉट प्लेयर ऑफ द मैच बनी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंग्लैंड की ओपनर डेनियेला वॉट हाईएस्ट स्कोरर रहीं। उन्होंने 55 गेंद पर नाबाद 64 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 6 चौके लगाए। वे प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। उनके अलावा लॉरेन विनफील्ड ने 23 गेंद पर 29 रन बनाए। इंग्लैंड की 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई। वॉट और विनफील्ड के अलावा इंग्लैंड की कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाई। भारत की ओर से एकता बिष्ट ने 23 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं दीप्ति शर्मा, राधा यादव और पूनम यादव ने इंग्लैंड की एक एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा।